भक्तों जय श्री मनु भैया जी का प्रणाम स्वीकार करें। और कल से हम आश्रम में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों से मेरी अपील है कि वो आए नहीं। हाँ, अगर किसी का कोई काम है तो वो ओपनली दूर से अपना काम करा सकता है और उसके लिए वो दिन में फ़ोन पर बात कर सकता है, तो वो फ़ोन पर बात कर सकता है और अपना पूरे दिन में कभी भी काम करा सकता है। तो दिन में फ़ोन ओपन रहते हैं, तो तीनों ही नंबर ओपन रहते हैं, 9873117268, 9899133496, 9899133496, और 8860612387, ये तीनों ही नंबर ओपन रहते हैं। लेकिन ये सुविधा केवल दिन के लिए है और उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी क्रिया ऑनलाइन करवानी है, क्योंकि दिन में मुझे हवन करना होता है साथ साथ, और साथ साथ मैं हवन कर रहा हूँ उन लोगों का जो आ नहीं सकते और जिनको ज़रूरी है जल्दी है। बाकी मेरे लोगों से अपील है कि वो इस काम में जल्दी ना करें, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तभी वो मेरे पास आए। फिर भी अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है मेरी तो वो ऑनलाइन अपनी क्रिया करा सकता है और ठीक हो सकता है। कल हमने तकरीबन 11 लोगों की क्रिया की है, जिसमें उन लोगों को सबको ही आराम पड़ गया, और एक बच्ची को थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी आज ठीक हो जाएगी। तो इसलिए, क्योंकि अभी हम आधी आधी क्रिया कर रहे हैं, किसी की अगर ज़्यादा क्रिया लगती है तो उसकी भी हम आधी क्रिया कर रहे हैं। यानी कि ये मान लीजिए कि किसी की अगर परिक्रमा हुआ है 12 क्रिया लगनी है, 8 लगनी है या 4 लगनी है, तो हम 4 से लेके चलते हैं तभी आगे पूरी क्रिया करते हैं। हाँ, कोई बाहर का आदमी है, कोई विदेशी है, तो उसकी क्रिया एक बार में ही पूरी करते हैं। तो इसलिए, और जो इंडिया का है, दिल्ली से है, दिल्ली से बाहर का है, वो अपनी क्रिया जो है यहाँ पर करा सकता है। तो अपनी क्रिया कराने के लिए आप जो है दिन में फ़ोन कर सकते हैं। पहले हम आपको चेक कराएंगे, उसके बाद आपकी क्रिया करेंगे। पहले चेकिंग होगी, फिर आपकी क्रिया होगी, उसके बाद। और मैं लंबे समय तक वहीं पर हवन पर बैठे रहता हूँ, क्योंकि अभी समय ज़्यादा है, तो जिसकी भी क्रिया करते हैं उसका एक ही बार में काम हो जाता है। जय शनिदेव। भक्तों, मैं साधना के अनुभव के लिए लोगों को कहना चाहूँगा कि बहुत लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और बहुतों को साधना के बहुत बड़े बड़े अनुभव हुए हैं, तो वो लोग भी अपनी वीडियो ऑडियो भेजने का मुझे कष्ट करें और लोगों को इन बातों को दिखाएं, समझाएं, बताएं, ताकि वो लोग भी संलग्न हो पूजा में, भक्ति में, और उनको भी अनुपम कृपा प्राप्त हो सके सभी देवी देवताओं की। जय शनिदेव, जय शनिदेव।